Welcome to Mirror of Ideas. This is Abhilasha and today I am here with kitchen organizer from Amazon. So let's begin with the first one. This one is very trendy. स्टील रैक है. नेक्स्ट जो ये देख रहे हैं ये परफेक्ट है कहीं भी सिंक के नीचे के स्पेस को यूज़ करने के लिए. मोस्टली सिंक के नीचे का स्पेस जो होता है वेस्ट हो जाता है या हम वहाँ पे कुछ नहीं रख पाते, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें पाइप को इंसर्ट करने का भी एक जगह बनाया हुआ है. एंड आप इसके ऊपर ऐसी चीज़ें रख सकते हो जो आपको कम यूज़ है या आप जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट ये सिंक के ऊपर रखने का है, बहुत ही अच्छा है. इसके ऊपर आप बर्तन का पानी ड्रेन करने के लिए रख सकते हो और बर्तन को स्टैंड के जैसा भी यूज़ कर सकते हो. कुछ और चीज़ें जो हैं जैसे हैंगिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कहीं पे भी डोर में हैंग कर दिया या विंडो में लगा दिया या कोई स्पेस ऐसा है जो आप जहाँ पे आप इसको हैंग करना चाहते हो आप हैंग कर सकते हो. इसके अंदर आप टॉवल या अनयूज्ड आइटम आप डाल सकते हो और बिगेस्ट थिंग इज़ दैट आप इसको शिफ्ट कर सकते हो. नेक्स्ट ये साइड रैक जो होता है, ये दीज आर मोस्टली रिक्वायर्ड इन किचन एंड बाथरूम, सो आई थिंक दीज आर मस्ट टू हैव इन आवर किचन और बाथरूम. इस तरह का रैक्स, हैंगिंग रैक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है एंड बहुत क्लासी है टू इम्प्रूव आवर किचन एंड टू ऑर्गेनाइज आवर किचन. बिकॉज जब भी चीज़ें कुछ जगह पे होती हैं तो एक तो मिलना आसान होता है और देखने में भी सुंदर लगती है, तो हम अपने बजट के अंदर रह के कुछ ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे घर को या किचन को स्पेस को अच्छे से सुंदर दिखाए और लगे. बिकॉज ऑर्गेनाइज होम स्पीक्स दैट माइंड इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज. इस तरह की चीज़ें जिसमें हम बर्तनों को स्टैंड के अंदर शेल्फ में डाल दें तो उससे स्पेस भी कम लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है. इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है वो अमेज़ोन पे अवेलेबल है. ये कंटेनर रैक जो है बहुत ही यूज़फुल है. जो लोग भी अपने घर में बहुत ज़्यादा किचन वार्डरोब नहीं बनाए हैं या स्पेस कम है वो इस तरह का रैक जो है कहीं पर भी वॉल पर लगा सकते हैं और अपने स्पेस को यूज़ कर सकते हैं. इस तरह का चीज़ जो सॉल्ट या पिकल रखने का होता है मोस्टली गिर जाता है, तो इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से रखने के लिए इस तरह का स्टैंड इम्पॉर्टेंट होता है. ये भी हुक जैसा है टू कीप योर फोक या फिर स्पून, तो बेस्ट है आई थिंक फॉर एनी किचन. एंड नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लुक इज़ ये बहुत अच्छा है बिकॉज आप इसको हैंग कर दीजिए, स्क्रबर हो सोप हो उसका पानी ड्रेन हो जाएगा और वो सूख भी जाएगा और स्पेस भी नहीं लेता है. तो आप इसका लिंक देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नाम भी मैंने इसमें डाला है, तो आप खुद भी आप इसे चेक कर सकते हो अमेज़ोन में. ये एग ब्रेकर भी काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है काफ़ी यूज़ में आएगा किचन में हमारे, इसलिए आप इसको चेक कर सकते हो. बहुत सारे स्टील के जो ये रैक्स है या फिर होल्डर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं बिकॉज इसमें आपको ड्रिल नहीं करना है, तो आप खुद भी लगा सकते हो. इसका जो ग्लू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. ये कंटेनर रैक बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही स्पेस सेविंग है. इसमें आप अपने थोड़े जो अगर पल्सेस है या जो भी सामान है आप इसमें रख सकते हो और काफ़ी सारे जो कंटेनर्स अच्छे से चले जाते हैं इसमें. आई थिंक दिस वन इज़ वेरी मस्ट टू हैव इन आवर किचन बिकॉज टॉवल आर मोस्ट रिक्वायर्ड एंड इन एनी स्पेस पे आप इसे हैंग कर दीजिए और आप यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह के टूल्स मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है इस वीडियो में जो किचन को डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्पेस सेविंग बनाएगा और ऑर्गेनाइज एंड मेस क्रिएट करने से बचाएगा. होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड बहुत सारा वीडियोस मैंने डाला है जो घर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, घर को कैसे डेकोरेट करें, क्या चीज़ें लगाएं घर में, क्यों लगाएं, विद वैलिड रीज़न डाला है. मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, प्लीज़ चेक इट एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you, be happy, and if there is any help or anything you want to know, then you can write in my comment section. Thank you, bye bye.